मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में किसी भी निर्दलीय या फिर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी के अलावा जीत नहीं हुई है। सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार सैलाना से विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद कमलेश्वर डोडियार पहली बार विधानसभा पहुंचे। खास बात यह है कि सबसे गरीब विधायकों में से कमलेश्वर शुमार हैं। यहां तक कि चुनाव लड़ने के लिए कमलेश्वर को 12 लाख का कर्ज लेना पड़ा। विधायक बनने के बाद कमलेश्वर सैलाना से बाइक पर आए। विधानसभा पहुंचने के बाद कमलेश्वर ने कहा कि उनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं था। यहां तक कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे और इसलिए कंबल के साथ बाइक का सफर तय करते हुए विधानसभा पहुंचे। है वह संघर्षशील विधायक जो कि 350 किलोमीटर का सफर तय कर बाइक से विधानसभा पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो इस विधानसभा में उन्होंने जीत हासिल की। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। मैं तो देखिए अभी तो मोटरसाइकिल है, लेकिन बहुत समय ऐसा आया था कि मैं बिना पैदल पैदल भी अपने इलाके में काम किया हूँ कुछ साल पहले। और मेरे पास पहले बाइक नहीं थी, तो मैं दूसरे की बाइक में पीछे बैठकर के भी घूमा हूँ अपने इलाके में। चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने बाइक का उपयोग किया है। अब मेरे पास है नहीं संसाधन, मैं गरीब आदमी व्यक्ति हूँ। मैं अब समय पर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाई, किसी दोस्त की मदद नहीं मिल पाई, मैं बाइक से ही चलाया हूँ यहाँ पे। और मेरे लिए बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं। मैं आप चाहो कहो, मैं पूरे मध्य प्रदेश में बाइक से ही बहुत कुछ प्रचार कर सकता हूँ। किसी पार्टी का, मेरी पार्टी का अगर फैला करने काम करूँ ना, मैं बाइक से ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। पूरे स्टेट के अंदर भी काम कर सकता हूँ बाइक से। रतलाम से भोपाल आना मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने सन 2007 जुलाई मैंने 12वीं पास किया था। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। नया नया मैं कॉलेज गया था, समाचार पत्र पढ़ने का मौका मुझे रोज मिल जाता था। तो जब अमेरिका के चुनाव हो रहे थे 2008 में, नवंबर दिसंबर में अमेरिका के चुनाव हुए थे, बराक ओबामा करके जो केन्या के रहने वाले थे उनके पूर्वज, और वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे उनकी माँ के साथ अमेरिका में, राइट। जनवरी 2009 में वो राष्ट्रपति बने थे। तो मुझे लगा कि व्यक्ति इतना दूर से गरीब आदमी, ब्लैक है वो ना, वाइट कंट्री है वो अमेरिका, और एक ब्लैक आदमी राष्ट्रपति बन जाता। मुझे लगा मैं भी आदिवासी हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी अगर चाहूँ तो राजनीति में आ सकता हूँ, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं उनसे प्रेरित हुआ, मेरे मन में पहले से ही था कि मुझे भी ये जाना चाहिए राजनीति में। आपकी संघर्ष की कहानियां हमने सुनी है, उन संघर्षों के कुछ क्षण आपको याद हो कि कितने संघर्षों से आपका जीवन व्यतीत किया और अभी किन संघर्षों के साथ रहते हैं? हम जब बचपन में थे तब हमारे हालात ज्यादा खराब थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। रोटी के चार टुकड़े होते थे, एक एक टुकड़ा हमारी माँ को देती थी। कभी कभार भूखे पेट से भी सोना पड़ता था हमें। हमने जब पढ़ाई करी, अलग अलग जगह हम गए, शहरों में गए, कॉलेजेस में गए, तो वहाँ पर भी रूम का किराया नहीं मिलता था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, इधर उधर से मांगते थे, कभी कभार भूखे पेट भी सो जाते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। बाहर भी कहीं काम किया है आपने? मेरी पढ़ाई छूट गई थी कॉलेज करने के बाद में, हालात नहीं थी कि हम लोग रूम से रह सकें या फिर खाने पीने की व्यवस्था कर सकें, तो फिर हमने पढ़ाई छूट दी। मैं कोटा में 4 साल मजदूरी किया हूँ, मैंने दिहाड़ी की मैंने। आप आगे विधायकी के बाद में किसी दल में शामिल होना चाहेंगे, किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? दल में शामिल होने की मेरी थोड़ी सी अलग हट करके मैं राजनीति में करना चाहता हूँ। लोगों की भलाई हो सके तो पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। मैं भारत आदिवासी पार्टी का एक प्राथमिक कार्यकर्ता हूं मैं, और मैं विधायक हूं, मेरी पार्टी का मैं एकमात्र जीता हुआ हूं, तो मुझे मेरी पार्टी के लिए, मैं बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। मेरी पार्टी के पदाधिकारी भी अवगत करवा दिया है। विभाग का जिम्मा किस कुछ? मैं किसान के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं, किसान की भलाई के लिए। कृषि मंत्री, वन मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास या फिर सिंचाई मंत्रालय, इनमें से कोई एक मंत्रालय मुझे मिलता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में काम कर सकता हूं। तो स्पष्ट तौर से हमारे साथ मौजूद है एक वैसे ऐसे विधायक जो 350 किलोमीटर का सफर बाइक से सफर उन्होंने तय किया, एक ऐसे संघर्षशील विधायक की पटकथा है आपने स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से जाना, जिन्होंने अपने जो पल है, अपने संघर्ष का जीवन उन्होंने तय किया। संघर्ष के जीवन के साथ साथ में उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता और 2023 में वह विधानसभा के इस समय सदस्य हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।